हाँ जी बेटा, आज अपना टॉपिक ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या दूसरा की कह सकते हैं आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यार पता नहीं न्याणे क्यों इनू कहते कि बड़ा ही औखा चैप्टर आ, बहुत औखा, वेरी ईजी। ठीक है, हम थोड़ी थोड़ी ना आप बेसिक्स देख आवेंगे कि कुछ थ्योरीस है वहाँ। ये बेसिकली आप पढ़ना की है कार्बन बारे, सब तो इंपोर्टेंट की है ये कार्बन। ठीक है, हुण सब तो पहलों की थ्योरी चलती होंगी सी, एक ना वाइटल फोर्स थ्योरी चलती होंगी सी। ठीक है, बर्जेलियस नाँ के बंदे ने की बनाई है, एक वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई है। वो उन्हें कहा कि जेडे बच्चे कार्बोनिक या जेडे कहांगे मैं ऑर्गेनिक, जिन्हें भी ऑर्गेनिक सबसटांस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ, वो कहता है सिर्फ कौन बनते हैं, नैचुरल ही होंगे, मैन मेड नहीं होंगे। ठीक है, कि कार्बन वाला कोई भी कंपाउंड कहता आप लैब दे विच प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये किने कहा है, बर्जेलियस ने, कि ये सिर्फ इन्हों कौन रेडी करता है, नेचर ही रेडी करता है। पर इसे दे ही एक चेला ही या इसे दे कोई कलीग कह लो, कौन ही, वह ओलर। हुण ओलर नाँ के बंदे ने की कहता, कहता नहीं नहीं यह बोंदल गया। ठीक है, कहता यहोजी नहीं कोई गल, उन्हें की करता फट के एक ना सब तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें लैब च प्रिपेयर करता, वह की ही हो, यूरिया। ठीक है, NH2CO NH2। ठीक है, एक की है यूरिया। ठीक है, यूरिया, ये यूरिया उन्हें किच करता प्रिपेयर, लैब दे विच करता। ठीक है, जितों तक जितों की उहदी वाइटल फोर्स यूरिया की कहते होगी उन्हें फेल करती। ठीक है, हुण आपां देखांगे हुण बेसिकली यार ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर किहड़े होए, कहिंदा यार जिन्हें भी कार्बन वाले कंपाउंड है ना उन्होंने भी कह सकते हैं आपां ऑर्गेनिक कंपाउंड, किन्हां नूं छड्ड के, कुछ कु जिवें साइनाइड हो गए, कुछ कु ऑक्साइड हो गए। ठीक है, वो एक दो एक्सैप्शनल केसिस है उन्होंने छड़ दो, बाकी आलमोस्ट अगर यार नहीं ना किसी कुछ पता लगा तो सिंपल वे लै करो यार कार्बन है चल लाता। ठीक है यार, ना नालों कुछ चंगा है ना, पर बेसिकली कोई कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या जिवें साइनाइड्स हो गए, ठीक है उसके भी कार्बन है, पर वो वाले कंपाउंड की है ऑर्गेनिक नहीं होंगे। चलो वो प्लस वन टू के कंसैप्ट देखेंगे, अजे टेंथ तक आप ही लैवल लैके चलना वा जिद आप ईजीली पढ़ा। ठीक है, हुण आप देखांगे कि बेटा कि जे हुण आप कार्बन बारे पढ़ना वा, ठीक है, तो फिर आपां नूं कार्बन बारे भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए है। हुण आप देखिए कि कार्बन बारे आप सारी हिस्टरी जी फॉलो मारी उहदी, आप गल करिए कार्बन की। ठीक है, कार्बन कार्बन हुण कार्बन की गल करिए, किनवा एलीमेंट हैगा पीरियोडिक टेबल दे विच, सिक्स्थ एलीमेंट हैगा, किनवा एलीमेंट है, सिक्स। ठीक है, सिक्स एलीमेंट है। हुण जे छेवां एलीमेंट आ तो यद मास कि है, 12। यदा मास किन्ना है, 12। ये तीन आइसोटॉप भी है। ठीक है, 6C12, 6C13 या 6C14। ठीक है, कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12। ज़्यादा कड़ा यूज़ करते हैं आप अपनी स्टडी के 6C12 वाला। ठीक है, आ ज़्यादा यूज़ होंगे। यदि जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी हो तो की होएगी, तुहाडे लैवल के हिसाब से देखिए तो की आ, कहिंदा है कि पहली शैल दे विच की आ दो होणगे, दूसरी शैल दे विच किन्ने होंदे आ चार होणगे। ठीक है, जे होर दूसरी तरह की कन्फिगरेशन वेखनी तो होगी होंदी आ 1s2 होंदी आ, फिर 2s2 होंदी आ, ते 2p2 होंदी आ। ठीक है, हुण आ चीज़ होगी। हुण कहिंदा इहदे विच बच्चे बोंड किहड़ा बणदा है, ठीक है, इहनां च बोंडिंग किहड़ी होंदी आ, कोवलेंट बोंडिंग। ठीक है, बोंडिंग किहड़े टाइप की होंदी आ, कोवलेंट टाइप की होंदी आ। हुण यार कोवलेंट, कोवलेंट का मतलब की होंदा है कि बच्चे बॉन्ड किदा बनाउंदा है, शेयरिंग करके। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन नाल की है, बॉन्ड बना लैंदा। हुण किहड़े किहड़े तरह के बॉन्ड बना लैंदा होगा, सिंगल बॉन्ड भी बना लैंदा, डबल बॉन्ड भी बना लैंदा, तो ट्रिपल बॉन्ड भी बना लैंदा। ठीक है, ईजी है। ठीक है, होर आप इहदी प्रॉपर्टीज देखिए, तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, बॉन्डिंग होगी। हुण इस तो बाद आप की कहते हैं उन्होंने यदि ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, ऑर्बिटल डायग्राम की होएगी, सेंटर के न्यूक्लियस आ। ठीक है, फस्ट के पता ही आपको किन्ने इलैक्ट्रॉन आते, दो इलैक्ट्रॉन आते, इस तो बाद एक दो तीन चार। ठीक है, इसमें की कह सकते हैं आप, एक ही है यदि ऑर्बिटल डायग्राम, सिंपल है। ठीक है, एक ही है यदि ऑर्बिटल डायग्राम। हुण जे मैं बच्चे यदि की बनानी हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बस की करना पैना, ये बस आपको की देखते होंगे वो आउटर मोस्ट शैल। ठीक है, वो आउटर मोस्ट शैल वा, हुण जे वेखिए होएगी कार्बन आउटर मोस्ट शैल के किन्ने होंगे, चार होंगे, एक
दो तीन चार, ठीक है, चार ये इलैक्ट्रॉन होंगे आ। इस तरीके की बना सकते हैं आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर। हुण जे गल करिए इस तो बाद हाइड्रोकार्बन, हुण वट इज़ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन की होगा, देखो यार हाइड्रो तो पता लगन दे की है, ये हाइड्रोजन है तो कार्बन की है, कहिंदा कार्बन कहिंदा ओवल एक कंपाउंड जिन्हां दे विच सिर्फ कार्बन ते हाइड्रोजन होवे उन्हूं की कहने आपां हाइड्रोकार्बन। अरे यार वेरी ईजी। हुण कहिंदा कहिंदा कार्बन दे विच किहड़ी इहो जी यूनीक प्रॉपर्टी हैगी आ, किहड़ी इदां दी यूनीक प्रॉपर्टी हैगी आ जिहदे करके आ पूरी दी पूरी एक चैप्टर आप ये करते पूरी की पूरी ऑरगैनिक कैमिस्ट्री ये आ जाए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक डिफरेंट चैप्टर आप करते पे, ठीक है। वो की प्रॉपर्टियाँ है, सब तो पहली प्रॉपर्टी की गल करा मैं कैटीनेशन, ठीक है। सब तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की है कैटीनेशन, ठीक है, की है कैटीनेशन। नाउ व्हाट इज कैटीनेशन, हुण कैटीनेशन की है बेटा, वो प्रॉपर्टी हैगी कि कार्बन कार्बन के नाल ही एक लोंगेस्ट चेन बनाई जा रहा है, कार्बन कार्बन के नाल सैल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता पै, एक कॉन्टीन्यूटी के बॉन्ड बनाई जा रहा है, जिदा आप देखते हैं ना कार्बन की चेन होती कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। इस तरीके की कहने आप कैटीनेशन, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की हैगी है टैट्रावैलेंसी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की हैगी है टैट्रावैलेंसी। हुण टैट्रावैलेंसी की होंगे, टैट्रा का मतलब होंगे बेटा फोर, ठीक है, वैलेंसी तो समझते जी की होंगी की है टैट्रावैलेंसी है कि कहना मतलब कि कार्बन किन्ने बॉन्ड बना सकता है बच्चे चार बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। कार्बन किन्ने बॉन्ड बनाते हैं फोर बॉन्ड्स बनाते हैं। हुण बेटा आप देखेंगे कि ऑरगैनिक कंपाउंड की गांह आप क्लासीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोकार्बन है जो अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आ कि ये बच्चे क्लासीफिकेशन किस तरीके हो रही है, देखिए ये ऑरगैनिक कंपाउंड दो तरह देंगे किहड़े किहड़े एलीफैटिक या ओपन, ये बच्चे चेन के हिसाब से होंगे कि ओपन चेन वाले, ठीक है, तो दूसरे किहड़े हो सकते साइक्लिक या क्लोज चेन वाले हो सकते हैं, ठीक है। यार की मतलब ओपन तो क्लोज चेन का की मतलब, इधर देखो इतने बनाना मैं, ठीक है, देखो जाए हूँ की है इस तरह कॉन्टीन्यूटी के तुरे आँदी है। हूँ आ गई है मेरी एलीफेटिक चेन, ठीक है, ये कि आ सकते ब्रांच वाले भी आ सकते हैं, ब्रांच की होगी, ठीक है, इस तरह की है फरदर की है नीचे कोई ना कोई ब्रांच लगी हो सकती इस तरह, ये की है ब्रांच वाले हो जाने। हूँ क्लोज वाले कि क्लोज से की हो जिस तरह कार्बन 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 इस तरह पूरे पूरे क्लोज हो, ठीक है, एक पूरा एक बंद हो स्ट्रक्चर, ठीक है, उन्होंने क्लोज या इन साइकिलिंग कहने। एलीफेटिक या ओपन चेन बच्चे ये किहड़े वाले आ, दो होर गां फिर दो तरह के होंगे जिन्हों आप कहने सैचुरेटिड ते अनसैचुरेटिड। नाउ वट इज सैचुरेटिड और अनसैचुरेटिड, सैचुरेटिड का मतलब होंगे है कि बच्चे पूरी की पूरी मेरी कार्बन चेन वाली जी चलन दी है पूरी की पूरी कार्बन चेन ये सारे की होने हमेशा मेरे सिंगल बॉन्ड ही होंगे, ठीक है, की होएगा सिंगल बॉन्ड ही होएगा। इस सैचुरेटिड होर आप कहने पैराफिन्स भी कहने, तो इन्हों के अंडर केड़े आते हैं एलकेन्स, ठीक है। एलकेन्स के होंगे सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही होंगे, ठीक है, कार्बन तो कार्बन के होएगा हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होएगा, कार्बन तो कार्बन के होएगा हमेशा सिंगल बॉन्ड होएगा। जे मैं अनसैचुरेटिड की गल करा, अरे यार बॉन्ड बूंड मैं यार कैमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर तो ही पढ़ के आए जे, जिद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये बारे तो पता होना चाहिए, ठीक है। जे नहीं पता तो फिर कमेंट कर दौ, वो भी वीडियो आप पा देंगे, कोई एडा इशू नहीं है, ठीक है। एलकेन्स अनसैचुरेटिड की गल करिए तो वो की आना है एलकीन आना है तो एलकाइन आना है। हुण एलकीन तो एलकाइन की होंगे, एलकीन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है, तो एलकाइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये गल करिए एलकीन्स होर की कहने आप ओलीफिन्स, की कहने आप ओलीफिन्स कहने, ये की होगा बच्चे कार्बन तो कार्बन के होएगा एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये की होगा कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। नाल दी नाल इधर विखी आप साइकलिक और क्लोज्ड, ठीक है। हुण ये की है एक क्लोज रिंग वाले आ गए। हुण ये कहिंदा दो तरह के फिर हो गए कार्बोसाइकलिक ते हैट्रोसाइकलिक, कार्बोसाइकलिक ते हैट्रोसाइकलिक ये की आ गया। हुण कहिंदा एहो जी साइकलिक कंपाउंड जिदे विच सारे पूरे के पूरे साइकल दे विच की आ कार्बन ही होणगे, ओह की हो गया मेरा
कार्बोसाइक्लिक हो गया ते हैट्रो हेटीरो या हैट्रो या हेटीरो कुछ भी कह लो ठीक है। हैटीरोसाइक्लिक दे विच की होणगे हैट्रो का मतलब भी होंगे डिफरेंट आ मतलब ये पूरी क्लोज रिंग दे विच कोई ना कोई एक एलीमेंट मेरा कार्बन की जगह पर कोई होर भी हो सकता ठीक है जैसे फ्यूरॉन हो गया ठीक है और काफ़ी एग्जाम्पल है ठीक है जिदा मान लो कोई भी यार एग्जाम्पल रख ली जाए कार्बन ठीक है कार्बन कार्बन ठीक है कार्बन कार्बन हूँ इतने कार्बन नहीं गा इतने की मान लो कोई फ्लोरीन लगा है ठीक है फ्यूरॉन कहने ठीक है हूँ इस तरह जे मैं यदि गल करा हूँ कार्बोसाइक्लिक ये फिर गए दो तरह के फिर आ गए दो तरह के ये की है एलीसाइक्लिक पखंडी नहीं मुकते इन्हों एलीसाइक्लिक एरोमैटिक ठीक है हूँ एलीसाइक्लिक की होंगे है तो एरोमैटिक की होंगे याद रख लो हमेशा ठीक है एलीसाइक्लिक हो कहना कि पूरी की पूरी रिंग वा ठीक है जैसे कार्बन कार्बन की है एक रिंग बनी होएगी इस तरीके की कोई भी एक रिंग होएगी ठीक है सिंपल वे दे नाल चलन दी है ये की आ एक नू एक छड़ के डबल बॉन्ड नहीं बना दिया मतलब ये अरोमा नहीं बना दिया सिंपल रिंग वाली नू की कहूँगा मैं एलीसाइक्लिक कहूँगा पर जे बच्चे उदे विच की हो जाए एरोमा क्रिएट हो जाए उदे विच की हो जाए एरोमैटिक वाला सिस्टम हो जाए कहन का मतलब यदि एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ बेंजीन ठीक है यदि एग्जाम्पल की है बेंजीन हुण बेंजीन की है बेंजीन दे विच की होंगे देखियो ध्यान नाल हुण बेंजीन की गल करा एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से ना छड़ छड़ के की आंदे डबल बॉन्ड बनता पाया हूँ ये की होना की होंगे ये की हो रहा बच्चे डीलोकलाइजेशन कहना मतलब डबल बॉन्ड एक जगह से टेक के नहीं बैनते की बन गया वो अरोमा बन गया पर एलीसाइक्लिक दे विच किसी भी तरह का अरोमा नहीं बनना जिथे डबल बॉन्ड जो एक लग भी गया तो उत्थे ही रहना वा कोई एडा इशू नहीं है ठीक है वो चेंजिस नहीं आनियाँ पर ये एक टका नहीं है जिदा तुम टका नहीं होना क्लास के कद इधर कभी उधर उ सीन इधर ठीक है तुम सारे की एरोमैटिक हूँ ठीक है आ गई है एलीसाइक्लिक एरोमैटिक अच्छा सच सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखावा तुम ठीक है इधर देखो ध्यान ठीक है आखो आवे आ की है आ गई देखो बच्चे आ जे ब्लैक वाले ना दो ये दोनों समझ लो ये की है कार्बन है आ साइडा के लगे आ वाइट वाले हाइड्रोजन लगे कार्बन तो कार्बन के गए सिंगल बॉन्ड है देखो कार्बन तो कार्बन च की बनया सिंगल बॉन्ड ये की है एलकेन्स ये की है एलकेन्स ठीक है सिंगल बॉन्ड बनया हूँ देखो यार आवे रोटेट भी हो ही जाते ना वेखो वाल रोटेट होंगे ठीक है इसे की कहने आप हो रहा है फ्री रोटेशन होती है की हो रही है फ्री रोटेशन यदि हो रही है जे मैं वेखा डबल बॉन्ड ठीक है इनू रख दी इतने जे मैं देखा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड के देखो आवे एक आ बॉन्ड एक आ वाला बॉन्ड बाकी की लगे साइडा तो हाइड्रोजन लगे आ कार्बन तो कार्बन च की है डबल बॉन्ड आखो एक आ वा डबल बॉन्ड जे मैं ट्रिपल बॉन्ड की गल करा ट्रिपल बॉन्ड देखो आवे एक बॉन्ड दो तीन ठीक है ट्रिपल बॉन्ड की बन गया ये की है एलकाइन आ की है एलकाइन ट्रिपल बॉन्ड एक चीज़ नोट की जाए ठीक है आ की है सिंगल बॉन्ड आ की है डबल बॉन्ड तो आ वाला की है ट्रिपल बॉन्ड बच्चे जिदा जिदा बॉन्ड जिदा जिदा कि वेखिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स की है इनक्रीज़ होते जाते हैं देखो ध्यान ना इन्हों की बच्चे बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज़ हो रही है कुछ ना कुछ तो होया कि हूँ देखो आप हजे चैप्टर भी पढ़ना ना मतलब ये देखा एलकेन्स का वखरा पढ़ना है एलकीन का वखरा एलकाइन का की है वखरा पढ़ना ठीक है हूँ की प्रॉपर्टी नाल ना देखी जाओ कि जे आ सिंगल बॉन्ड है आ की है डबल बॉन्ड है देखो आ थोड़ा जहा क्लोज हो गया मतलब इन्हों दोनों कार्बन की है होर क्लोज आ गए तो जे मैं ट्रिपल बॉन्ड में फस्ट वाले बॉन्ड ना कंपेयर करा तो वेखो कि क्लोज आ गए हुए ठीक है आ चीज़ा होंगे चलो हूँ बाकी आप अगो इस बाद देखते हैं ये कि एलकेन्स या एलकीन या अलकाइन आप इन्हों जे जिन्हें भी कंपाउंड है उन्होंने लिखना कैमें हाँ इन्हों का नॉर्मन क्लेचर कैमें करना है ठीक है हूँ आप देखते हैं इन्हों का नॉर्मन क्लेचर ठीक है कि वेखना हूँ आप नॉर्मन क्लेचर कि जेडे इन्हों ना रखे आ जाए है ना जे मैं गल करा तो कि आ कि आ बेंजीन हैगी ठीक है 1 2 3 4 5 पाँच कार्बन है इनू की कहने आप साइक्लोपेंटेन ठीक है यार साइक्लोपेंटेन ना कैमें आया ठीक है जे मैं आ डबल बॉन्ड ठीक है
इतने मैं हाइड्रोजन ला दा, कंप्लीट कर दा हाइड्रोजन, तो आ की बन जाना है, दो कार्बन है की कहूँगा इथ, तो ट्रिपल बॉन्ड है की आईन, की बन गया मेरा इथाइन। ठीक है यार, ये किदा वा हूँ आप देखते हैं इन्हों स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग देखा नेमिंग बारे। हम बच्चे आप देखेंगे आई यू पी एस सी नॉमनक्लेचर। ठीक है, हम की है यार आई यू पी एस सी नॉमनक्लेचर, पहले आई यू पी एस सी की एक नंबर की फुल फॉर्म ही आई नहीं होती। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अपलाइड कैमिस्ट्री। हूँ ये अकॉर्डिंग कहता है कि अगर तुम किसी भी कंपाउंड का नाँ लिखना है, मतलब किसी भी कार्बन कंपाउंड का नाँ लिखना है, तो वह तीन चीज़ों वो पता होना चाहिए कि वह रूट वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स। हूँ की है कहता रूट वर्ड, ना वट इज़ रूट वर्ड। रूट वर्ड की होंगे कि वो मेरी जी कार्बन वाली चेन आ, ठीक है, जी मेरी मेन चेन होगी वो किन्ने कार्बन आ। ठीक है, सफिक्स कि जेड़ा मेरे कार्बन चेन की एंडिंग होनी है, मेन चेन है वो कादी आ, कि ग्रुप की गई है, किड़े कंपाउंड, मतलब की हिसाब फंक्शनल ग्रुप कि। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब फ्रंट दे की लगन, अगर वो कोई मल्टीपल होर ग्रुप लगे हुए है, ठीक है, वो मतलब सफिक्स तो की आ थोड़े घट पावरफुल है, ठीक है, वो प्रैफरेंस की है घट्ट, तो वह की है एज एनू आप प्रीफिक्स यूज करते हैं। हूँ आप थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल देखिए। हूँ जो गल करना तो रूट वर्ड, रूट वर्ड की होगा कितों पता लगेगा आप कार्बन तो, देखो ध्यान कहता, तो अगर की है एको ही कार्बन, ठीक है, कहना मेरे अगर कंपाउंड एक ही कार्बन आ तो की यूज करना मैं उत्थे आप मिथ, ठीक है, की यूज करेंगे आप वर्ड मिथ। कहना जो दो कार्बन आ, दो कार्बन मतलब कि लिख सकते हैं आप कार्बन तो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन है तो की यूज करूँगा मैं उत्थे इथ। ठीक है, जे तीन कार्बन है, ठीक है, किन्ने कार्बन आ, तीन कार्बन आ, इस तरह कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, जे तीन कार्बन आ, तीन कार्बन वास्ते की यूज करेंगे आप प्रॉप। ठीक है, इस तरह जे चार कार्बन आ तो की यूज करेंगे आप ब्यूट, जे पांच कार्बन आ पेंट, छे कार्बन आ हैक्स, सत कार्बन आ हैप्ट, जे अठ कार्बन आ ऑक्ट, जे नौ आ ते नन, जे टेन आ ते डैक। ठीक है, जे दस वा ते की होगा उत्थे डैक ही यूज हो जाएगा। ठीक है, आ की अपने वह रूट वर्ड आ गया। हूँ सफिक्स, एस तो सफिक्स, एस तो याद रख लो सैचुरेशन। ठीक है, आप की नाल दसनी वो सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब कि वो बच्चे एलकेन आ कि ओ एल कीन आ कि ओ एल काइन आ, कहन का मतलब कि वो बच्चे सिंगल बॉन्ड आ, डबल बॉन्ड आ कि ट्रिपल बॉन्ड आ। ठीक है, ये भी तो दसना है ना आप, अगर तो बच्चे सिंगल बॉन्ड आ, देखो एलकेन का की चुक लो एन, की वर्ड यूज करना आप एन, जे डबल बॉन्ड आ तो की यूज करना आप ईन, जे ट्रिपल बॉन्ड है तो की यूज करेंगे आप आइन। ठीक है, जे ट्रिपल बॉन्ड है तो की यूज करेंगे आप आइन। हूँ तीसरी गल करिए आप प्रीफिक्स की, प्रीफिक्स की होंगे कहना अगर ब्रांच चेन है, मतलब कुछ ना कुछ या होर भी ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो वह फ्रंट से कहना की कुछ लिखा आप, फ्रंट का कि जमें अलकाइल ग्रुप लगे हो, ठीक है, अगर अलकाइल ग्रुप लगे हो तो जे जे अरे जिस तरह का भी ग्रुप होनू की आप फ्रंट से लिख लेना। ठीक है, जे तो इको वा तो सिंपल लिख लेना उन्होंने आप नंबर पा गए, तो जे दो वा तो की वर्ड यूज करना आप उत्थे डाई आ। ठीक है, जिदा आप लिख सकता मैं डाई मिथाइल। ठीक है, जे कोई क्लोरीन दो लगे तो की लिख सकता मैं डाई कलोरो। हूँ आप करेंगे एग्जाम्पल भी एदियाँ। ठीक है, डाई आ ये की आ अगर दो दो हो, ठीक है, जे दो हो तो डाई आ, तो जे तीन हो जाए तो की यूज करना आप ट्राई आ, तो जे चार आ जाए तो की यूज करना आप टैटरा, जे चार आ जाए तो की यूज करना आप टैटरा, जे पांच हो जाए तो की यूज करना फिर पेंटा। ठीक है, जे पांच हो जाए तो फिर की यूज करना आप पेंटा। ठीक है, इस तरीके कहना आप इनू भी लिख सकते हैं। हूँ आप देखते कुछ ना कुछ इन्हों एग्जाम्पल्स।